कुंभ राशि, भोले जी का प्यार आपको मिलेगा। 26 नवंबर के दिन आपकी हर एक मुश्किल घड़ी खत्म होगी। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे दिनों के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसा दिन जो कि 26 नवंबर का है और इस दिन भोलेनाथ जी का प्यार आपको मिलने वाला है, जिससे कि आपकी जीवन में आ रही सभी प्रॉब्लम परेशानियां खत्म होने वाली हैं। हर एक बात को विस्तार से बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस चैनल पर राशिफल के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं, जो कि आने वाले दिनों के बारे में पहले से अनुमान आप लगा सकते हैं। अगर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद भी चाहते हैं तो कमेंट में प्यार से जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कई तरह की जिम्मेदारियां आप पर हो सकती हैं, कुछ लोगों की निगाहें आप पर भी रह सकती हैं। आज आपको अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे, इससे आपको स्वयं सफलता मिल सकती है। आज जरूरी कामों में जीवन साथी का अच्छा सहयोग आपको मिल सकता है। अपने पैसों से संबंधित स्थिति पर आज जरूर विचार करें। पैसों से जुड़ी हुई हर स्थिति पर विचार करना आज आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कुछ दिनों से चली रही फालतू की दौड़ आज खत्म हो सकती है। आप जो भी फैसला करेंगे वह सब सही रहेंगे। व्यापार में आज लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। आपके परिवार में खुशियों की कोई कमी नहीं होगी। आपका जीवन साथी आपको कोई अच्छी सलाह भी दे सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप अभी धन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, नई शुरुआत और नए अवसर आपके सामने हैं, हालांकि उनको खोजने के लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। अपने परिवार के प्रति सावधान रहें, क्योंकि किसी प्रियजन को नुकसान या फिर हानि से गुजरना पड़ सकता है। आज आप अन्य दिनों से अधिक व्यस्त रहेंगे, नए दोस्त बन सकते हैं और आप अपने प्रियजनों को प्रभावित करने की कोशिश भी करेंगे। रचनात्मक गतिविधियों के लिए अच्छा समय है। सोच समझ कर अपने विचारों को व्यक्त करें। आप जिस नजर से इस दुनिया को देखेंगे, आपको दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। आज कुछ भी नया करने से आपको बचना होगा। अपने कामों में आलस्य बिल्कुल भी ना ले। अगर आलस्य बार बार आता है तो हर रोज सुबह उठकर 15 मिनट व्यायाम करें और 15 मिनट योगा करें। इससे क्या होगा, शरीर भी जो कि तंदुरुस्त रहेगा और योगा से आपका मूड फ्रेश रहेगा, आलस बिल्कुल भी नजदीक नहीं आएगा। आज आप में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होगी। यदि आप कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अभी ठीक नहीं है। किए गए कामों में आज आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आज आप अपने घर परिवार के मामलों में व्यस्त रह सकते हैं। किसी जरूरी मामलों पर अपने परिवार के साथ गंभीर विचार विमर्श भी कर सकते हैं। आज दूसरे लोगों की बातों को भी ध्यान से सुनने का प्रयास करें। अपने बढ़ते खर्च पर आज आपको नियंत्रण करना होगा। आज आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, लेकिन खर्चों की योजना पहले से ही बन जाएगी। तो दोस्तों, आप बात करते हैं कि 26 नवंबर के दिन भोलेनाथ जी का प्यार आपको मिलने से किस तरह की मुश्किल घड़ी खत्म हो सकती है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, 26 नवंबर के दिन जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें आपको पिछले दिनों बहुत तड़पा रही थी, बहुत प्रॉब्लम दे रही थी, वे इस दिन जो कि खत्म हो सकते हैं। अगर कोई बड़ा कर्जा आपके सर के ऊपर था तो भी वह आज के दिन खत्म हो सकता है, या फिर आप जिससे पैसे लिए हो वह देनेदार आपको परेशान कर रहा है तो वह भी आज के दिन शांत होगा। घर में जो भी वास्तु को लेकर घर में जो भी प्रॉब्लम या फिर जो भी परेशानियां चल रही थी वह भी आज खत्म होते हुए आप अपनी आंखों से देखेंगे, यानी कि घर का माहौल भी शांत रहेगा, साथ ही आपके जीवन में आ रही सभी प्रॉब्लम परेशानियां वो भी शांत हो जाएगी। इससे आपका मन शांत होगा, इससे आप आगे जो कि अच्छे कार्य कर सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपका धन राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया, आयोजित भुगतान या धन का घाटा आपको परेशान कर सकते हैं,
लेकिन जीवन साथी के सहयोग से आप इस चरण में सफलता पाएंगे। कोई छोटी यात्रा आपको नई सीख देगी। आज का दिन गतिविधियों से भरा हुआ है, अतिरिक्त जिम्मेदारियों, यात्राओं, फोन कॉल्स, फैक्स, मीटिंग्स और ईमेल का सामना करना पड़ सकता है। नए प्रोजेक्ट या साझेदारी शुरू करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। अपनी सितारों के अनुसार अगर आज आप किसी इंटरव्यू या फिर प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं तो सफलता आपके साथ है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आज आप काम के बोझे से घिरे रहेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सफलता के लिए एकाग्र चित्त होकर काम करना बेहद जरूरी है। अगर काम का बोझ कितना भी हो, अगर आपका मन शांत रहेगा तभी उस काम को आप आसानी से सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। अगर आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, आपके दिमाग के ऊपर तनाव रहेगा तो कोई भी कार्य जो कि सफलतापूर्वक आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इस समय तनाव को दूर ही रखेगा। हालांकि सफलता बहुत ही धीरे धीरे मिल रही है, लेकिन फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन स्थानों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जहां अभी आगे बढ़ने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोनों की समझदारी और सूझबूझ से आपके प्यार की गाड़ी बिना ब्रेक के दौड़ रही है। इसे ऐसे ही बनाए रखने के लिए कोई भी अवसर गवाए बिना अपने जीवन साथी को पैम्पर करते रहें। जब जब आपको समय मिले तब तब आप अपने जीवन साथी को मिला करेगा, तब तब अपने जीवन साथी को लेकर कहीं बाहर घूमने फिरने जाएगा। अपना जो कि समय है उनके साथ व्यतीत करने से आपके प्यार में जो कि और भी मजबूती आएगी। अभी छोटे भाई बहनों और चचेरे भाई से मिलकर आप आनंदित महसूस करेंगे। आज आपके लिए एक व्यस्त दिन है, इसलिए आपको अपनी लव लाइफ और रोमांस से संबंधित मामलों के लिए समय नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आज भी मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन इस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आपको योगा करना होगा, ध्यान करना होगा और व्यायाम करना होगा। ज्यादातर आप आध्यात्मिक राह पर चलेंगे, ध्यान करेंगे, योगा करेंगे तो इससे क्या होगा कि मानसिक तनाव जो भी है वो खत्म होगा। कोई भी तनाव आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, मन शांत रहेगा और किसी भी कार्य को आप आसानी से कर पाएंगे। आप चिंता बिल्कुल भी ना करें और अपने को किसी रुचि भरे कार्य में लगा कर रखिएगा। अगर आप ऐसे शांत बैठे रहेंगे, ऐसे ही निवांत बैठे रहेंगे तो क्या होगा, हर एक प्रॉब्लम, हर एक चिंता आपके दिमाग में आने लगेंगे। इससे आपका तनाव बढ़ता ही रहेगा। आप अपने आप को किसी भी कार्य में व्यस्त रखिएगा, इससे क्या होगा कोई भी जो भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, दिमाग में छाए नहीं रहेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आज का आपका कुंभ राशिफल रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा, दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को भी सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस चैनल पर इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।